शिवपुरी जिले के पिछौर में वाल्मीकि समाज के दो भाइयों की हत्या के बाद दो आरोपी फरार चल रहे थे। इसको लेकर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए थे। पिछौर नगर में चारों तरफ फैली थी गंदगी, जिसको लेकर पिछौर विधायक प्रीतम सिंह लोधी वाल्मीकि समाज के लोगों के पास पहुंचे और उन्होंने पिछौर थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि फरार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बंद कराकर सफाई कर्मचारियों के साथ विधायक प्रीतम सिंह लोधी और विधायक प्रतिनिधि सुनील लोधी ने अपने हाथों में झाड़ू लेकर बस स्टैंड, कॉलेज चौराहा एवं नगर के तमाम जगह सफाई की। तभी जाकर सफाई कर्मियों ने पूरे नगर में कचरे के बड़े बड़े ढेरों को उठाकर नगर साफ किया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। एक तो ये कारण रहा, थोड़ा सा अपन स्वच्छ अभियान पर अगर चले तो थोड़ा सा मद्दा पड़ रहा था स्वच्छ अभियान, इसके लिए तेजी लाने के लिए मैं झाड़ू लेकर आए और सफाई कर्मचारी के रूप में बन के और सफाई करने के लिए उतरा था मैं, ताकि लोगों को जागरूकता आए और हमारा जो स्वच्छ बने। क्योंकि मैंने पहले वादा किया था मैंने कि मैं जैसे ही विधायक बनूंगा तो कूड़ा कचरा साफ करूँगा। कूड़ा कचरा यानी ये गंदगी यानी यहाँ पर कांग्रेस के कुछ कूड़े कचरे थे, पहले तो वो साफ किए, उनके साथ में आना, फिर हमें आई स्वच्छता की सफाई, हमने फिर ये दूसरे नंबर पे ले लिया स्वच्छता की सफाई। इसमें फर्क था, वो बदमाश टाइप के थे और ये काम शरीफ टाइप का होता, शरीफ लोगों का। ये सफाई कर्मचारी छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सफाई कर्मचारी बनना ये देश के लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत गर्व की बात है और हर व्यक्ति को सफाई कर्मचारी बनना चाहिए। आप सोच के चलिए, हम जब फ्रेश होने जाते हैं तब हम धोते हैं, तो उस समय हम कौन सा काम करते हैं? सफाई का ही काम करते हैं ना, वो भी करते हैं, सवेरे डाली बनाते हैं तो नाई का भी काम करते हैं, नहाते हैं तो हम किसी के रूप में वो भी काम करते हैं, कपड़े पहनते हैं तो वो भी किसी रूप में दर्जी के रूप में काम करते हैं। तो ये दिनचर्या जो हमारी होती है ना, वो हर समाज से मिलती जुलती दिनचर्या होती है जी। तो इसीलिए मैंने आज सफाई कर्मचारियों के रूप बनकर और हमने ये काम किया और इसको करता रहूँगा मैं। ये कोई फोटो खिंचाने का काम नहीं है कि अपन ने झाड़ू हाथ में ले लिया और फोटो खिंचा लिया। कई मैंने देखे नेतागण लोग होते हैं, पहले कचरा फटवा लेंगे फिर उसको साफ करेंगे केवल फोटोओं के लिए, नहीं, इसको जमीन पर उतर कर हमें बिल्कुल ओरिजिनलिटी में हमें सफाई करनी है। कम से कम नहीं तो हम दो घंटे हम दिया करेंगे, हर महीने में दो चार जगह हम सफाई किया करेंगे और दो दो तीन तीन घंटे सफाई कर्मचारी होंगे, ताकि इससे जागरूकता आती है, नई आवाज आदमी आती है, हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें भी जागरूकता आती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल